गाने की कहा जाए तो मेहनत ने लाल यहाँ पर जैसे निबंधना आए सीधे कारण अलग चक्र में आ चुकी है दोनों ही दल। पहला पड़ाव जो है पार कर चुकी है दोनों ही दल, दूसरे पड़ाव पर गगन रखी है, इसके बाद तीसरा, इसके बाद चौथा, और यूं ही सफर को अगर जारी रखें तो मंजिल तक पहुंचने में बहुत ही लाजवाब प्रयास था, पांच वर्ष से प्रयास किया गया था, मगर जितनी बेहतरीन ठीक लगाई गई थी तो इस तरह का नजारा बहुत ही कम देखने को मिलता है। अगर चंद मिनट के लिए भी पलक झपकी तो इस तरह का नजारा जो है आंखों से ओझल हो जाती है, बहुत ही बेहतर है प्रदर्शन दोनों ही टीमों की ओर से। बार बार मौके बनाने का अवसर दे रही है सिद्धू कानू एकादश, खतरे का आमंत्रण। क्या इस दीवार को खेद कर गेंद को गोल जाल तक स्पर्श करा पाएगी शांति भोज क्लब सांची के खिलाड़ी। जरूर की थी मगर काफी ऊंची रही, धाम लगा चुकी है। धीरे धीरे जवाब बनाने का प्रयास, बहुत ही बेहतर प्रयास यहाँ पर मगर दो अलग अलग स्टेट की टीम नजर आ रही है मैदान पर और दोनों ही दलों के खिलाड़ियों की शैली जो है बिल्कुल अलग तरीके से नजर आ रही है। एक टीम गति भरा मैच खेलना चाह पसंद कर रही है तो एक टीम स्लो के रूप में आक्रमण की तैयारी कर रही है। सिद्धू कानू एकादश हमारे झारखंड के टूर्नामेंट में भी अपना परचम लहरा चुकी है, कई बड़े टूर्नामेंट में शिरकत की है और पुरस्कार के हकदार भी बने हैं और आज जारपा स्पोर्टिंग क्लब बागबुड़िया के ऐतिहासिक मैदान पर दूसरे चक्र के पहले मैच में दो दो हाथ करती हुई जमशेदपुर टीम से। और कुछ देर के बाद लाल लाल फोड़िया फोड़िया की आवाज सुनाई देगी क्योंकि मुर्गा पालन शुरू हो जाएगा और पहले दिन के मुर्गा पाड़ा पर जो बाजी रखा गया है, पहला बाजी मारने पर 1,000 रुपये, दूसरा बाजी मुर्गा मारने पर 500 और तीसरा बाजी मुर्गा मारने पर भी 500।
लाख रुपए का इनाम है। पावर प्रति 100 रुपए लिए जाएंगे, जबकि कातका फी है 200 रुपए लिए जाना है। मैदान छोड़कर प्राइवेट करियर पर नहीं गए थे, तो उन सबों को मैं जानकारी दे दूं कि प्रथम चक्र के अंतिम मैच में उड़न सरदार एफ सी उड़ीसा की टीम ट्राइब्रेकर के माध्यम से जीत दर्ज कर ली है और दूसरे चक्र में प्रवेश पाई है, और दूसरे चक्र के चौथे नंबर का मैच उन्हें खेलना है न्यू स्टार के विरुद्ध। बिल्कुल टारगेट पर रखना चाह रहे थे जैसे नंबर 5, मगर विपक्षी दल के खिलाड़ी वहां मौजूद, कोई सफलता अर्जित नहीं कर पाई। गोल माना जाएगा, वो डेड बॉल माना जाएगा किसी भी हाल में, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इस वर्ष के टूर्नामेंट में हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 2000 रुपए के नाम है। फिलहाल 2 गोल दागने में जरूर सफल हुए हैं, सफर अभी काफी लंबा है, मंजिल दूर है, कई मैच और मिलेंगे। अगर हर मैच में इसी तरह का नजारा देखने को मिला जैसे नंबर 9 की ओर से, तो सर्वाधिक गोल दागने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं। फिलहाल मैच को जिताने पर विश्वास रखते हैं ये, एक शून्य की बढ़त मिल चुकी है सिंधु कानू एकादश के खिलाड़ी को, टीम को, और ये खुशी की लहर, ये स्कोर कब तक सुरक्षित रख पाती है सिंधु कानू एकादश, ये देखने वाली बात होगी। शांति बॉयज क्लब साक्षी भी एक शक्तिशाली टीम, बेहतरीन टीम, और यहाँ पर कार्ड इशू होने की संभावना बढ़ रही है। तो 1-0 से पिछड़ रही है शांति बॉयज क्लब साक्षी।
धीरे धीरे ब्लाइंड और प्राइड एफसी की टीम कदम बढ़ा रही है हमारे टेक्निकल जोन की ओर और फिर से हमारी नजर गई है उनकी विरोधी दल सागर एफसी सी दाड़ा में, ये भी कदम बढ़ा दिए हैं। मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा टीम के कप्तान, मैनेजर और सभी खिलाड़ियों को कि आपने समय के मोल को समझा है और हमारी बातों पर गौर फरमाया है। और यहाँ पर फिर से कारनामा करने में सफल हो चुके हैं जैसी नंबर 9 के लिए। बड़ा अच्छा लगता है जब किसी खास अमानत को संभाल के रखा जाए। पिछले साल की बात है, इसी टूर्नामेंट में एसएस उड़ीसा की टीम के खिलाड़ी थे मिस्टर मंगल सोरेन, जिन्होंने पिछले वर्ष के टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल दागा था। हालांकि पुरस्कार वितरण समारोह में शरीक नहीं हो पाए और उनके कोई साथी खिलाड़ी भी यहाँ नहीं पहुँच पाए, मगर अब तक उनका पुरस्कार और उनका जो भी सर्टिफिकेट वो हमारे पास सुरक्षित रखी गई है। अगर इस वर्ष दर्शक के रूप में हो या फिर खेल प्रेमी के रूप में हो या खिलाड़ी के रूप में हो अगर पहुंचे हैं तो आप कमेटी में जरूर संपर्क करें। मिस्टर मंगल सोरेन एसएस उड़ीसा टीम के। जसिन पर नायक को गेंद डाली गई है, अगर गोल कर लिए तो हैट्रिक, हैट्रिक से चौके यहां पर। और इसी के साथ समय इजाजत नहीं दे रही कि खेल को हम आगे बढ़ाएं।